हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप प्रीव्यू में जो वीडियो देखा, आप भी कुछ इस प्रकार का बेंगोली डीजे टेटस क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो गाइस, कुछ इस प्रकार का एडिटिंग करने के लिए एलाइड मोशन ऐप की जरूरत है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एलाइड मोशन ऐप ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। फिर आपको यहाँ पर दो प्रोजेक्ट को इनपुट करना है, ये सॉन्ग बिटमार्क और इसे एक इफेक्ट, इस दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप एलाइड मोशन पर इनपुट कर लेना। फिर बहुत ही आसान सा तरीका है, तो एक XML लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बिटमार्क पे चले जाना है, तो बिटमार्क पे जाके आपको यहाँ पर सॉन्ग के बहुत सारी बीट दिखाई देगा, तो बीट के हिसाब से आपको सिर्फ फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करना है, आपको पहले बीट में आ जाना है, पहले बीट में आ जाने के बाद क्या करना है, आपको प्लान पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर पे आपको फोटो है। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एक फोटो यहाँ से चूज कर लेना है, ऊपर थ्री डॉट पर जाके फिर कंपोजिशन इरेज करना है, ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना है, फिर इस आइकन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, फिर से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, दूसरी फोटो सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पर जाके कंपोजिशन इरेज करना है, इस आइकन पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाके इस आइकन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है, फिर से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, एक अलग फोटो चूज कर लेना है, थ्री डॉट पर जाके कंपोजिशन इरेज करना है, इस आइकन पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाके इस आइकन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो गाइस, आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। कुछ इस पास है, यहाँ पर जितने सारे बीट है सारे बीट में आपको एक एक करके ऐसे फोटो को ऐड कर लेना, तो यहाँ से वीडियो को बहुत लंबा आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को कट कर देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने फोटो को ऐड कर लिया सॉन्ग के बीट के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फोटो में इफेक्ट ऐड करना है। अब कौन सी फोटो पे कौन सी इफेक्ट वो आपको सभी में बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना, बदलना आपको स्किप कर दिया तो आपको यहाँ पर कोई भी पार्ट मिस हो जाएगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको वीडियो खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप के, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर इफेक्ट को ऐड करना है, तो पहले आपको क्या करना है, इफेक्ट पे चले जाना है, तो इफेक्ट पे यहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, फास्ट जो इफेक्ट इसको कॉपी करना है, तो फोटो पे टैप कर देना, इफेक्ट पे आना थी पे जाके आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इस इफेक्ट आपको कौन सी फोटो में ऐड करना है, तो पहले आपको बिटमार्क पे आ जाना है, फास्ट जो फोटो है उसमें आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, तो फोटो पे टैप करना है, इफेक्ट पे आना थी पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको कौन सी फोटो में ऐड करना है, फिर आगे छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो दिख रहा है इस पर आपको यह इफेक्ट नहीं ऐड करना, फिर आपको आगे एक बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा, तो इस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड कर देना। फिर आपको कौन सी फोटो में ऐड करना है, फिर आपको आगे एक छोटा ड्यूरेशन वाला फोटो देगा, इस फोटो में आपको ऐड करना है, 5:18 पर एक फोटो दिखाई देगा, तो इस तीन फोटो में आपको टोटल इस तीन फोटो में आपको फास्ट इफेक्ट ऐड करना है, मतलब यहाँ पर डबल मैक दिख रहा है, तो ये डबल मैक से आगे इस तीन बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो में आपको ये फास्ट इफेक्ट ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक जाकर इफेक्ट टू को यहाँ से कॉपी कर लेना, तो पहले आपको यहाँ से कॉपी कर ले, तो फोटो पे टैप करना, इफेक्ट फिर थ्री पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ से बिटमार्क पे जाना है, तो कौन सी इफेक्ट कौन सी फोटो में ऐड करना है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा, तो सिंपली इस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड कर लेना। फिर आपको आगे जो फोटो मतलब ड्यूरेशन वाला फोटो दिख रहा है इस पर टैप करना, इफेक्ट फिर थ्री पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो में ऐड करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर और छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा, तो किस किस आपको यहाँ पर डबल बैक से आगे जितने सारी छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो है सारी फोटो में आपको यहाँ पर इफेक्ट टू को ऐड कर लेना है। फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ से फिर से बैक जाके इफेक्ट थ्री को ऐसे कॉपी कर लेना, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट थ्री को ऐसे कॉपी कर लेना है, फोटो में टैप कर देना, इफेक्ट पे आना थ्री पे जाके आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना। फिर आपको क्या करना है, को ऐसे कॉपी करने के बाद आपको फिर से बिटमार्क पे चले जाना है, तो बिटमार्क पे जाने के बाद कौन सी फोटो में आपको इफेक्ट थ्री ऐड करना है, तो पहले आपको यहाँ पर डबल मैक से आ जाना है, तो डबल मैक से आगे जितने सारी फोटो है इफेक्ट ऐड हो गया। फिर आपको क्या करना है, डबल मैक से लेके आपको यहाँ पर कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको ऐड कर देना है, यहाँ पर 11:20 से यहाँ तक जितने सारी आगे फोटो है सारी फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। तो कैसे करना है, फोटो पर टैप करना, इफेक्ट पे आना थ्री पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर से आपको नेक्स्ट फोटो पर टैप करना, इफेक्ट पे आना थ्री पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर देना, तो ये इफेक्ट आपको 11:21 से आगे जितने सारी फोटो है सारी फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। फिर क्या करना है, फिर से आपको ऐसे बैक जाना है, तो फिर से आपको जाने के बाद सेकंड इफेक्ट पे जाना है, तो टोटल यहाँ पर चार इफेक्ट मैंने यूज़ कर लिया। फिर आपको यहाँ पर इफेक्ट फाइव को ऐसे कॉपी कर लेना, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हो, फिर से बैक जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर बिटमार्क पे जाना है, तो बिटमार्क पे जाके कौन सी फोटो में ऐड करना है, ये सिर्फ एक फोटो में ऐड होगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से डबल मैक से आ जाना है, तो 11:21 से लेके यहाँ पर आपको 13:01 से एक फोटो दिखाई देगा, सिर्फ एक फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, सिर्फ एक फोटो में, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है, इस फोटो में सिर्फ ये इफेक्ट ऐड करना है। फिर आपको आगे फिर
फिर आपको सेक इफेक्ट पे जाना है। तो सेक इफेक्ट पे जाने के बाद क्या करना है, ये जो सिक्स इफेक्ट है मतलब इसको कॉपी कर लेता हो, तो यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर से बिडमार पे जाना होगा। तो यहाँ से बिडमार पे जाने के बाद कौन सी फोटो में ऐड करना, ये भी सिर्फ एक फोटो में यूज़ होगा, तो कौन सी फोटो में आपको यूज करना होगा, तो यहाँ पर 11:21 सेकेंड से इस फोटो में सिर्फ एक फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड कर देना। तो ये इफेक्ट 5 और 6 जो है ये दो फोटो में आपको ये 5 और ये 6 ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। फिर आपको आगे ये जो मतलब फोटो है इसमें आपको कौन सी इफेक्ट ऐड करना है, यहाँ पर आपको लास्ट इफेक्ट दिखाई देगा, तो इसको यार यहाँ पर सेक इफेक्ट पे जाना होगा। फिर आपको लास्ट जो इफेक्ट है इसको आपको कॉपी कर लेते हो, तो यहाँ से आपको कॉपी करने के बाद क्या करना है, इस सिक्स इफेक्ट को आपको मतलब लास्ट जो इफेक्ट है आपको लास्ट फोटो में आपको ऐड कर देना, मतलब यहाँ से लेके 14:12 सेकेंड से लेके वीडियो को इन तक जिन सारी फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। तो कैसे कुछ इस प्रकार से आपको बस 6 जो इफेक्ट है मैंने आपको यूज़ कर लिया ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इफेक्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कर लेंगे ठीक है, या मैंने बता दिया प्रोसेस इफेक्ट ऐड करने की। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से प्लान पर क्लिक करना है, मीडिया भेजना है और एक बटन PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आपको उसको बस ऐड करने पर आपको वीडियो रेडी हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ऐड कर लिया मैंने, फिर आपको वीडियो रेडी हो जाएगा। फिर शेयर आइकन पर क्लिक करो और वीडियो को ऐसे एक्सपोर्ट कर दे रहे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और गाइस आप हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो, और अब अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स से लिख देना इस सॉन्ग पर वीडियो चाहिए, तो आपके लिए मैं बना दूंगा ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।